तो इन लेबर कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी जी दोस्तों, अगर आप एक सिर्फ मजदूर हो, आपका लेबर कार्ड बना हुआ है और आपको लेबर कार्ड पर कोई फायदा नहीं मिला है, तो अब आपका रोज रोज का झंझट हुआ खत्म। अब आपको इस एक तारीख से मिलेगा 1000 रुपये महीना और हर बार पैसा बढ़ता रहेगा। ऐसा नहीं सिर्फ 1000 ही आता रहेगा, इससे ज़्यादा पैसा मिलता रहेगा। आप कुछ को लोग तो कहेंगे कि ये वीडियो फेक है, ये भाई बंदा सही नहीं बता रहा है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो मैं आपको सबूत के साथ दिखाने वाले हैं, 1 तारीख से इन लोगों को 1000 रुपये महीना आएगा, वो भी ज़्यादा आएगा। अब आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा वो आप भी देख पाओगे, अगर नहीं मिलेगा तो कैसे लेना है वो भी हम बात करेंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप के ही देखते रहना। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार का कॉन्टेंट मिलता रहता है। चलिए शुरू कर लेते हैं। अब सबसे पहले मोबाइल का लैपटॉप का किसी गूगल को आपको ओपन करना पड़ेगा, और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा BOCW। सर्च करने के बाद आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो दो अक्षर लगाने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप UP से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर UP लगाना पड़ेगा, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो तो MP लगाना पड़ेगा, अगर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हो तो CG लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी UP लगा लिया। सर्च करने के बाद पहला लिंक आएगा यहाँ पे, देखिए श्रम विभाग का, इसी पर क्लिक करना पड़ेगा। अब क्लिक करने के बाद आप आ जाओगे श्रमिक कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहाँ कार्ड के ऑफिशियल पेज पर आ जाओगे। अब यहाँ पे मैं आपको सबूत ही पहले दिखाई देते हैं, आप भी अपना भी देख पाओगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा देखिए श्रमिक का, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अब नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, स्क्रॉल करने के बाद ऑप्शन यहाँ पे देखिए दोस्तों ये आ रहा है पंजीयन की स्थिति, यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब क्लिक करने के बाद पेज इस तरीके से खुलेगा। अब यहाँ पर आपको नीचे आना है और 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। अब यहाँ पर आपको पंजीकरण संख्या पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी पंजीकरण संख्या देना पड़ेगा 09 वाली, जो भी लेबर कार्ड के फोटो के ऊपर लिखी हुई है। अब नीचे यहाँ पर दोस्तों जो कैप्चा आ रहा है कैप्चा इस वाले बॉक्स में देना पड़ेगा। अब नीचे यहाँ पर सर्च का जो बटन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने लेबर कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब नीचे स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने के बाद बस यहाँ पर आपको आना पड़ेगा देखिए योजना के विवरण में। यहाँ पर आने के बाद नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर सारी योजना आपकी दिखा दी जाएंगी। देखिए मैं जिनका स्टेटस आपको दिखा रहा हूँ, देखिए दोस्तों इनका आ रहा है संत रविदास शिक्षा सहायता योजना, मतलब दोस्तों इनके इन्होंने योजना को अप्लाई किया था 2021 में, बट दोस्तों इनको पैसा नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर सिरमा उक्त अधिकारी उपमा अधिकारी ने रिपोर्ट लगा दी, देखिए पास हो चुका है, भुगतान लंबित आ रहा है दोस्तों। और बड़ी अपडेट यहाँ पर ये है, 1 तारीख आने वाली है, इस 1 तारीख से जिन लोगों का भुगतान लंबित आ रहा है मतलब इस योजना के अंतर्गत, तो उन्हें का जो है भुगतान जारी होने वाला है, मतलब उन्हें पैसा रिलीज होने वाला है, उन्हें पैसा मिलेगा। अब देखिए इस योजना की कंडीशन यहाँ पर मैं थोड़ी बात करता हूँ। देखिए इसमें सरकार पैसा भेजती है हर महीने, अब उन लोगों को भेजा जाता है जैसे अगर यहाँ पे कार्ड धारक हो, मतलब लेबर कार्ड बना हुआ है, अगर आपकी शादी हो जाती है और आपके बच्चा होते हैं उनको आप पढ़ाते हो तो उन्हें पढ़ाने के लिए सरकार पैसा देती है। जैसे अगर आपका बच्चा 1 क्लास में पढ़ता होगा तो समथिंग 300 से 400 रुपये हर महीना मिलेगा, अगर आपका 5वीं से 6ठी क्लास में पढ़ता होगा तो उस हिसाब से पैसा मिलेगा। बाकी आप चेक भी कर पाओगे, वो कैसे देखना है कि कौन सा पैसा किस किस्त का कैसे मिलेगा, तो वो भी आप देख पाओगे। इसके लिए होम पेज पर आओगे, श्रमिक पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा देखिए समस्त योजना, यहाँ पे क्लिक करोगे। अब क्लिक करने के बाद न्यू पेज आपके सामने फिर से खुलेगा, इस तरीके से पेज खुलेगा। आप देखिए यहाँ पर आपको नीचे योजना मिल जाएगी संत रविदास योजना, इसी पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब नीचे यहाँ पर आना पड़ेगा, इसका आप सारा कुछ यहाँ से पढ़ सकते हो। अब देश तलाब में आओगे, देखिए 1 से 5वीं क्लास में होगा तो यहाँ पर आपको 2 समस्त की अगर बात करूँ तो इसमें आपको अगर आपका बच्चा 6 से 10वीं क्लास में जाएगा तो 2500 रुपये महीना मिलेगा। इसी तरीके से पैसा बढ़ता रहेगा जब तक आपका बच्चा पढ़ाई करेगा, पैसा उस खाते में आएगा जो भी आपका लेबर कार्ड में खाता लगा होगा। मतलब 1000 से तो समथिंग स्टार्ट ही होता है, उससे कम से मतलब स्टार्ट होता है, धीरे धीरे पैसा बढ़ता रहता है। तो अगर आपका भुगतान लंबित आ रहा है इस योजना के अंतर्गत तो आप लाभ ले सकते हो, मतलब पैसा मिलने वाला है। बट अगर आपके भुगतान लंबित नहीं आ रहा है, इस योजना के लिए पात्र हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो, मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ और आपको भी फायदा मिलेगा। बाद में कोई दिक्कत प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप कमेंट करके बताना। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, थैंक यू सो मच।